इस मुबारक और मुअज्जस इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह जुमा की इब्तदाई 3 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह जुमा कुरान मजीद का 62वां सूरा है और उसके आगाज की ये 3 इब्तदाई आयात हैं। परवरदगार ने इरशाद फरमाया कि युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेऐबी का ऐलान कर रहा है। ये सब जो लिल्लाह माफिस समावात व माफिल अर्ज, कायनात का हर जर्रा ऐलान कर रहा है कि हमारा खालिक बेऐब है। ये खालिक है कौन? अल मलिकुल कुद्दूसुल अजीजुल हकीम, ये बादशाह है, अल्लाह बादशाह है। कुद्दूस यानी बेऐब है, अजीज यानी गालिब और ताकत वाला है, हकीम यानी मंसूबे के बगैर किसी काम को अंजाम नहीं देता। 4 नाम है अल्लाह के, बादशाह है, बेऐब है, ताकतवर है और हिकमतों वाला है। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूला मिनहु, ये अल्लाह वही है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को भेजा, एक रसूल को मबूस किया। हुवल्लज़ी ये वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा, ये वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा। अब मुझे बताओ कि ये रसूल का तारुफ है या खुदा का? फिर सुनना, ये सब अल्लाह माफिल समावत व माफिल अर्दिल मलिकुल कुद्दूसुल अजीजुल हकीम हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूला मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में ऐसा रसूल भेजा, यानी अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है और हकीम है और ऐसा रसूल भेजने वाला है। यह तारुफ रसूल का नहीं, अल्लाह का तारुफ है मोहम्मद के वसीले से। तो अल्लाह अपने तारुफ में मोहम्मद को अपना वसीला बनाए, तो हम अगर अपनी नजात के लिए उसे वसीला बना लें तो हुवल्लज़ी, ये अल्लाह वो है जितने बासा फिल उम्मीयीन रसूल मिनहुम, उम्मीयीन में एक रसूल को मबूस किया जो उन्हीं में से था। काम क्या है? यतलू अलैहिम आयात ही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करेगा। युज़क्कीहिम, लोगों के नफ्सों को पाक और पाकिजा बनाएगा। युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देगा। वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देगा। 4 फरीजे हैं। अब पढ़ा लिखा मजमा है, साहिबान फहम फिक्र तशरीफ फरमा है। पहली आयत में अल्लाह के 4 नाम, दूसरी आयत में मेरे रसूल के 4 फरीजे, ऐसा ऐसा तो है ना? अच्छा भाई, तो वह इन कानू मिन कबलो लफी जलालिम मुबीन, अगरचे इस रसूल के आने से कबल पूरी इंसानियत खुली हुई गुमराही में मुब्तला थी। वह आखरी नमिन हूं, देखो इस रसूल का काम फकत उन लोगों तक महदूद नहीं है जो उसके सामने हैं। वह आखरी नमिन हूं, वह दूसरे जो आने वाले हैं क्यामत तक, उस रसूल का फरीजा यह है कि उनकी भी हिदायत फरमाता जाए, आयात की तिलावत करे, नफ्सों का तस्किया करें, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, उनको जो मौजूद हैं और उन्हें जो मौजूद नहीं है, यानी कयामत तक की सारी इंसानियत की जिम्मेदारी परवरदगार ने अपने हबीब पर डाल दी। अब इन फराइज को देखने के लिए यह जरूरी है कि हम थोड़ा सा अंबिया की उमूमी गरज बेसत पे निगाह डाल लें। बहुत मकामात हैं कुरान मजीद में जहां परवरदगार ने गरज बेसत पे बात की। सूरह बकर दूसरा सूरा कुरान का इरशाद फरमाया, कान नासो उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीयीन मुबशरीन व मुंजरीन, इंसानियत एक गरोह की शक्ल में थी, बस अल्लाह ने उनमें मबऊस किया अंबिया को मुबशरीन व मुंजरीन, और उनका काम यह था कि लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाए और लोगों को जहन्नम से डराए। बशारत नजारत, ये एक उमूमी मकासिद का बयान है कि इन सारे अंबिया को क्यों भेजा। अच्छा भाई, ये तो है सूरह बकर। सूरह नहल 16 सूरा कुरान का आवाज दी, वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वस्तनिबु तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहि जलाल हो फसीरु फिल अर्ज फंजुरु कैफा काना आकिबतुल मुकज्जबीन, हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर गरोह में, हर जमाने में और हर जमीन पर अपनी तरफ से रसूल भेजे।
और फकत दो काम थे उन रसूलों के, अन अब्दुल्लाह, लोगों से कहें कि अल्लाह की इबादत करो, वस्तनेबु तागूत, और लोगों से कहें अपने नफ्स की सरकशी से बचो। बशारत, नजारत, इबादत, इज्तनाब तागूत, ये चार फराइज हैं सारे अंबिया के। और अब सूरह हदीद 57वां सूरह कुरान का, लकद अरसलना रसूलना बिल बयनात व अनजलना माहमुल किताबा वल मीज़ान लियकूमन नास बिल क़िस्त, हमने अपने रसूलों को इस दुनिया में भेजा, बिल बयनात दलीलें देकर भेजा, और हमने उनके साथ एक किताब उतारी और एक तराजू उतारी। लकद अरसलना रसूलना बिल बयनात व अनजलना माहमुल किताबा वल मीज़ान, क्यों भेजा? लियकूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पे जिंदगी गुजारें। यह है उमूमी मकासिद कि हमने अम्बिया को क्यों भेजा। और अब मेरे नबी का तज़किरा सूरह आराफ में किया, 7वां सूरह है और 157 आयत है। अल्लज़ीना यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल-इंजील यामुरुहुम बिल-मारूफ व यनहाहुम अनिल-मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइसा व यज़ाउ अन्हुम इसरहुम वल-अग़लाल लती कानत अलैहिम। माने तवील आयत है और पूरी आयत नहीं पढ़ी, दरमियान से पढ़ी। पैरवी करो अल्लज़ीना यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबी अल-उम्मी, पैरवी करो और पैरवी करते हैं लोग इस रसूल की, रसूल जो पैगाम लाए, इस नबी की, नबी जो पैगाम ले। एक ही शख्स है, दो आदमी नहीं है कि अलग हो रसूल और अलग हो नबी। जब ले रहा है नबी है, जब दे रहा है रसूल है। एक ही, यानी जिहतें बदली हुई हैं, शख्सियत नहीं बदलती। अल्लज़ीना यत्तबिउन अर-रसूल अन-नबी अल-उम्मी, उम्मी के लफ्ज को रोक रहा हूं मैं, बहुत तवज्जो रखना। वो लोग जो पैरवी करते हैं इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और ये वो नबी है कि जिसका तज़किरा पाने वाले क़यामत तक तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। तारुफ कराया नबी का, और अब उसके बाद आवाज़ दी कि हमने इस नबी को क्यों भेजा। गरज़ बेसर यामुरहुम बिल मारूफ, अच्छा देखो लफ्ज़ उम्मी को जहन में रखना। अब मैं जो भी तर्जुमा करूँ, उमूमन तर्जुमा करने वाले ये तर्जुमा करते हैं कि जिसे लिखना ना आए पढ़ना ना आए, उम्मी जिसे ना लिखना आए ना पढ़ना आए, ये तर्जुमा उमूमन किया जाता है। अच्छा भाई, मुझे तो नहीं मालूम कि ये तर्जुमा कैसा है, और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहली वही जब आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मालम यालम। सरसरी गुरुगा हबीब पढ़ो दो मरतबा, और हमने इंसान को कलम से लिखना सिखाया, यानी लिखने का भी तस्करा है पढ़ने का भी तस्करा है। ये मरला फिक्र अजीब है। तो अब उम्मी पे बात नहीं करूंगा, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है, रसूल है, नबी है, उम्मी है। अब देखना कि इस नबी को हमने क्यों मबूस किया। यामुरहुम बिल मारूफ, हमने इसे इसलिए मबूस किया कि वो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और लोगों को बुराइयों से रोके। तवज्जो रखना, यामुरहुम बिल मारूफ वयनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को इंसानियत के लिए हलाल करार दे, व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइस, और खबीस चीज़ों को इंसानियत पर हराम कर दे, व यज़ाउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि तुमने जो अपनी बुनियादें बनाई हुई हैं रस्म रवाज की, और तुम्हारे जो रस्म रवाज हैं उन्हें तोड़ दे और अल्लाह के कानून को नाफिज करे। मेरा ये मोहतरम मजमा इस बात को बखूबी जानता है कि हुक्म दिया इस आए मुबारका में, हर अच्छाई का हुक्म दे, हर बुराई से रोके, हर खबीस को हलाल करे हराम करे, हर तय्यिब को हलाल करे, तुम्हारे इंसानी कवानीन को तोड़े अल्लाह के कानून को राइज करे। हर अच्छाई को जानता है जब तो हलाल करेगा, तवज्जो रखना, हर बुराई को जानता है जब तो हराम करेगा, हर खबीस को जानता है, हर तय्यिब को जानता है, भाई हर चीज जानता है फिर उम्मी है।
ये एक मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर मैंने रोका अपने सुनने वालों को कि वो उमूमी मकासद थे बेसत के और अब ये खुसूसी मकसद मेरे नबी के लिए आखिरी पैगाम आखिरी नबी आखिरी किताब सही है ना। अच्छा भाई तो ये मकसद अगर जहन में महफूज हो गया मेरा जी चाहता है कि पैगंबर के चाहने वालों की खिदमत में ऑफ द रिकॉर्ड एक जुमला कहता हुआ निकल जाऊं और ये ऑफ द रिकॉर्ड जुमला तुमसे बेहतर कौन समझेगा। फिर सुनो आए मुबारका को दरमियान से यामरहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। बहुत तवज्जो रहे ये नबी यूं इसलिए आया कि अच्छाइयों को हुक्म दे यनहाहुम अनिल मुनकर बुराइयों से रोके व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात पाकीजा चीजों को हलाल कर दे व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और खबीस चीजों को हराम कर दे अल्लाह से लेके नहीं युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस यानी एक वो वही थी जो मेरे नबी पर फरिश्ता लेके आता था और एक वो वही थी जो उसके मिजाज में गूंद दी गई थी। भाई आयत का मिजाज तो यही है युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस और खबीस चीजों को हराम करे खुद तय्यब चीजों को हलाल करे वो खुद। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई जिसे तुम अल्लाह की सिरात कहते हो वो मेरे मोहम्मद की सबील है। जिसे तुम सिरात मुस्तकीम कहते हो और जिसे सबील इलाही कहते हो वो वाकियन बना हुआ कोई रास्ता नहीं है। मेरा मोहम्मद कदम रखता जाए रास्ता बनता जाए। ये वो बारीक मरहले फिक्र था जहां मैं अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा था। अब वापस चलो उस आय मुबारक की तरफ जिसमें गरज बेसत को फिर बयान किया गया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूलम मिन्हुम। हमने इस नबी को उम्मीयीन में मबऊस किया। जाला के मानी है बनाना। इन्नी जाएलुन फिल अर्ज खलीफा मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। जाएलुन जाल जाल के मानी बनाना। बहुत तवज्जो रहे या दाऊद इन्ना जालना का खलीफा तन फिल अर्ज दाऊद हमने तुझे इस जमीन पर खलीफा बना दिया। तो जाल के मानी बनाना बास के मानी उठाना। यानी नबी इस दुनिया में बनाया नहीं जाता नबी पहले से नबी होता है उसे भेजा जाता है। ये जो 62वां सूरा है ना सूरह जुमा उससे पहले सूरा 61वां सूरह सफ उसमें भी परवरदिगार आलम ने इरशाद किया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक हमने भेजा इस रसूल को पहले से था रसूल उसे हमने दुनिया में भेज दिया। अच्छा भाई तो अब रसूल आया रसूल के मानी पैगाम लाने वाला सबको मालूम है और इसका तर्जुमा अगर उर्दू में ढूंढा जाए तो कासिद अगरचे कासिद भी अरबी लफ्ज है लेकिन उर्दू में जिस मानी में इस्तेमाल होता है उसी मानी में अरबी में लफ्ज रसूल इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई और आसान कर लो एलची तो अब ये कौन है अल्लाह का एलची है और ये पैगाम लाने वाला लिखा हुआ सरबमोहर लिफाफा लेके नहीं आया ये पैगाम लाया है जबानी ऐसा है या नहीं अगर ये समझ लो तो फिर मैं आगे चला जाऊं। और ये वो मरहले फिक्र है जिस मरहले फिक्र पर जरा सी रिसालत खुलेगी। सरबमोहर लिफाफा नहीं लाया कि आप उसे खोल के पढ़ रहे हैं वो जबानी पैगाम लाया है उसने जबानी मैसेज लिया अपने जहन में रखा जबानी आप तक पहुंचाया। तो एलची के लिए पहली बात यह जरूरी है कि उसमें पैगाम को रिसीव करने की अहलियत हो। भाई आप पैगाम तो जबानी दे रहे हैं ना पैगाम दे रहे हैं जबानी जब जबानी पैगाम दे रहे हैं तो उसमें अहलियत हो कि वो पैगाम को समझकर अपने पास महफूज रख सके। पहली जरूरत एलची की। दूसरी जरूरत हाफिजा इतना अच्छा हो कि वो उस पैगाम को भूल ना जाए मुकम्मल तरीके से याद रखे ताकि पहुंचा सके ये दूसरी जरूरत उस एलची की। अच्छा भाई तीसरी जरूरत इतना फसीह हो बलीग हो इतनी अच्छी जबान जानता हो कि वो जैसा पैगाम है वैसे अल्फाज मुंतखब करे और पैगाम को डिलीवर कर दे ठीक है ना। अच्छा भाई आप चौथी और आखिरी शर्त सुनो पैगाम लाने वाले की
जिनके पास पैगाम ला रहा है उनमें उसका इतना एतबार हो कि उसे सच्चा भी मानते हो, काबिले एतमाद भी मानते हो। भाई इन्हीं शर्तों का नाम तो इस्मत है। इसी मकाम से मैं आगे ले जाऊंगा, ऐसा पैगाम जो पूरी इंसानियत के लिए है, किसी गरोह के लिए नहीं। कि मक्के वालों को पैगाम दे दिया, वमा अरसलना का इल्ला काफतन लिन्नास, हबीब लिन्नास, नास के मानी पूरी इंसानियत। हबीब हमने तुम्हें रसूल बनाया है पूरी इंसानियत के लिए। अच्छा भाई रसूल तो बनना ही था, इसलिए कि ये अल्लाह कौन है जो रसूल बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। पूरी इंसानियत का रब है, पूरी इंसानियत का बादशाह है, पूरी इंसानियत का खुदा है। अच्छा भाई जब पूरी इंसानियत का है तो शहर रमजान अल्लज़ी, भाई कुरान क्या है, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। मुझे माफ कर देना, बगैर पढ़े बात करने का आदी नहीं हूं। मेरी निगाहों में जो किताबें इल्हामी कही जाती हैं, जिनके मुतालिक क्लेम है कि ये इल्हामी किताबें हैं, उन किताबों में देख लेना, और अगर न दे सको तो मैं दिखलाऊंगा कि हर किताब ने अपनी उम्मत को और अपनी कौम को खिताब किया है। ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों, अपनी कौमें मुखातब हुई। यह अकेली किताब है कुरान जो पूरी इंसानियत को मुखातब करती है। अच्छा भाई तो पूरी इंसानियत का रसूल है, किसी एक कौम का नहीं। जब पूरी इंसानियत का रसूल है और पैगाम यानी कुरान पूरी इंसानियत का पैगाम है, तो इस इंसानियत में जाहिल भी हैं, आलिम भी हैं, कम अकल वाले भी हैं, ज्यादा अकल वाले भी हैं, हर किस्म के अफराद मौजूद हैं। तो पैगाम में इतनी वसात होनी चाहिए कि बकदर ज़र्फ हर इंसान समझ सके, और पैगाम इतना वजनी है, तवज्जो रखना, पैगाम इतना वजनी है कि अगर पहाड़ पे उतार दिया जाए तो पहाड़ के पड़ते उड़ जाए। लाओ अंजलना हादल कुराना अला जबलिन ला रायतहु खाशन मुतसद्दन मिन खशयतिल्लाह, सूरह हशर 59वां सूरह कुरान का। इस कुरान में इतनी ताकत है और इस कुरान में इतना वेट है, इतना वजन है कि अगर पहाड़ पे उतार दें तो पहाड़ के परख्चे उड़ जाएं। भाई ये मरहले फिक्र ही अजीब है कि कुरान अगर पहाड़ पे आ जाए पहाड़ के टुकड़े उड़ जाएं, और मेरे मोहम्मद के दिल ने उस पूरे कुरान को अपने दिल पर रोक लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो, दिमाग कितना मजबूत होगा। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं और पढ़ के बोलता हूं। देखो भाई हमारे सामने कुछ किताबें वो हैं जिनके मुतालिक कुरान ने तस्दीक की कि वो इल्हामी हैं, तौरात इंजील ज़बूर, और कुछ वो हैं जिन किताबों को उनके मानने वाले इल्हामी समझते हैं। मसलन अविस्ता ज़रतुश्तियों की, यंद पाजंद, मसलन गीता, मसलन वेद, मसलन पुरान 18 पुरान, उनकी मुकद्दस किताबें हैं। इन किताबों को पढ़ डालो और फिर कुरान को पढ़ो, तो दुनिया वो मजहबी हो या गैर मजहबी दुनिया हो, पुकार रही है कि भाई जैसा कुरान है ये किताबें वैसी नहीं है। ये बिल्कुल गैर मजहबी अफराद जो फकत दूर से एक किसी फर्द की हैसियत से कुरान मजीद को और इन किताबों को देखते हैं, उनमें मुस्तशकीन है यूरोप के, वो पढ़ने के बाद कहते हैं कि भाई ये कुरान तो इन किताबों जैसा नहीं, तौरात कुरान जैसी नहीं, इंजील कुरान जैसी नहीं, जुबूर कुरान जैसी किताब नहीं है, वेद पुरान जंद पाजंद ये सारी किताबें, गीता कुरान जैसी नहीं है। तो अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि किताबें कुरान जैसी नहीं है और कुरान लाने वाला तुम जैसा है, ये फिक्र उमूमी का एक सवाल है। तो भाई अब इसके किरदार को परवरदिगार आलम ने दलील बनाकर पेश किया, यानी अजीब, पैगंबर अकरम के किरदार मुबारक की जो हिफाजत की है कुरान ने, उस हिफाजत का जवाब नहीं है। सूरह निसा कुरान मजीद का चौथा सूरा 64वीं आयत, फला वरब्बे का ला युमिनून हत्ता युहक्किमू का फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजदु फी अनफुसहिम हरजन मिम्मा कज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फला वरब्बे का तेवर देखो कुरान मजीद की इस आयत के, अजीब तेवर है। फला
अल्लाह मुखातब है अपने हबीब से, फला व रब्बे का ला युमिनून, हबीब तेरे अल्लाह की कसम, तेरे अल्लाह की कसम ला युमिनून, ये जबानी कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं है। फला व रब्बे का ला युमिनून, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक के अपने आपस के इख्तलाफात में तुझसे फैसला ना करवाएं। क्या मकाम खत्म नबूवत है कि सिर्फ कलमा पढ़ देना काफी नहीं है, मुसलमान उस वक्त बनोगे, मोमिन उस वक्त कहलाओगे जब अपने आपस के झगड़ों में रसूल से फैसला करवाओ। अच्छा भाई तुमने फैसला करवा लिया, फैसला करवा लेना काफी नहीं है, सुम्मा ला यजदु फी अनफुसहिम हरजन मिम्मा कज़ैत, खबरदार फैसला करवाने के बाद रसूल के हुक्म पर किसी किस्म का शुभा तारी ना करना, किसी का शुभा, किसी किस्म का शुभा तुम्हारे दिल में ना आने पाए कि ये रसूल ने क्या कह दिया। वह यो सल्लम तस्लीमा, और मेरे मोहम्मद के सामने अपने सर तस्लीम को खम कर दो। समझ नहीं आया, अल्लाह के आगे झुकने का नाम है इस्लाम, मोहम्मद के आगे झुकने का नाम है तस्लीम। ये मरहले फिक्र अजीब है, और मैं इस मरहले फिक्र पर थोड़ी देर के लिए अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं। मैं मकाम मोहम्मद की हिफाजत, सूरह निसा चौथा सूरह कुरान मजीद का, और अब आवाज दी सूरह हुजरात, बार बार मैंने इन आयात की तिलावत की, पहली और दूसरी आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैने यदिल्लाहि व रसूलिह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल का जहरे बाज़कुम लिबाज़िन अंतहबता आमालुकुम वअंतुम ला तशुरून। ऐ ईमान लाने वालों, खुदा और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना, यानी हुक्म खुदा और रसूल से आगे न बढ़ना, जो कह दे उसे मान लो। ठीक, दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ ईमान लाने वालों अपनी आवाज को मेरे नबी की आवाज पर बुलंद न करना, प्रोटोकॉल है मेरे नबी का, यह मेरे नबी का प्रोटोकॉल है कि उसकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करना। इसके बाद का टुकड़ा पढ़ूं, वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बादकुम लिबादिन, खबरदार खबरदार मेरे नबी को उस तरीके से न पुकारना जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो। सुन लिया तुमने, सुन लिया, ला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बादकुम लिबादिन, खबरदार मेरे नबी को वैसे न पुकारना जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, यानी अगर वो तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कात और तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा अगर मेरे नबी से आगे बढ़ने की कोशिश की और अगर मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को तुमने बुलंद किया। अब प्रोटोकॉल, मेरे नबी का प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है ना भाई? यही से तो जरा सा मैं अपने सुनने वालों को आगे ले जाना चाह रहा हूं। मशहूर और मारूफ आयत सूरह अहज़ाब की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी, बहुत मशहूर आयत है, आयत दुरूद, इन्नल्लाह 33वां सूरह सूरह अहज़ाब, व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान लाने वालों, सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा, ऐ ईमान लाने वालों तुम भी उस पर दुरूद भेजो और उसके आगे अपने सर तस्लीम को खम कर दो। कुरान का कोई लफ्ज बेमसरफ नहीं है, कुरान के पास वक्त 23.5 साल का, काम कयामत तक का, तो जो लफ्जों को जिन लफ्जों को वो मुंतखब कर ले और जो लफ्ज उठा ले लगत से, वो जाहिर है कि बड़े मानीदार होते हैं। या भाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, नबी रसूल मोहम्मद अब्द,
अल्लाह दुरूद भेजता है मोहम्मद पर, आयत में नबी है मोहम्मद नहीं है, ठीक है ना। जब ये मेराज में ले गया तो कहने लगा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्द ही लैलन, मैं अपने अब्द को ले गया मेराज में, अपने अब्द को, अपने अब्द को ले गया मेराज में। तो मोहम्मद विलादत के वक्त नाम रखा गया, मेराज में गए अब कहलाए, ठीक है ना। अच्छा भाई रसूल बने, जब ऐलान बेसत किया था रसूल बने, तो दुरूद भाई तवज्जो रहे मोहम्मद पे नहीं, दुरूद रसूल पे नहीं, दुरूद अब्द पे नहीं, दुरूद नबी पर। अब सोचने वाली बात है कि लफ्ज नबी को मुंतखब क्यों किया, दुरूद भेजता है मोहम्मद पर नहीं, दुरूद फिर उस दिन से होती जिस दिन मोहम्मद दुनिया में पैदा हुए। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं रसूल पर, उस दिन से दुरूद होती जिस दिन से ऐलान रिसालत किया, ठीक। अच्छा भी अगर कह देता कि अल्लाह और उसके फरिश्ते अब्द पर, अब्द के मानी बंदा, अब पर दुरूद भेजते हैं, तो मेराज की रात से दुरूद शुरू होती, ठीक है या नहीं। फिर एक मरतबा जहमत और देना चाह रहा हूं, मोहम्मद विलादत के दिन से, रसूल बेसत के दिन से, अब्द मेराज की रात से रखा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब जब से नबी है तब से दुरूद है, कब से नबी है, कुन तो नबी यन व आदम व मायवती, क्या प्रोटोकॉल है इस नबी का। अब मेरे पास उर्दू में कोई लफ्ज नहीं था इसलिए मैंने ये अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या प्रोटोकॉल है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आया कि जब उनका नाम लो दुरूद भेजो, नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद का तस्करा इंजील में, चारों इंजीलों में, इसके अलावा भी, चार इंजीलों के अलावा भी इंजीलें पाई जाती, कहीं नहीं है। यह अकेला प्रोटोकॉल है मेरे नबी का। वस्कुर 19वां सूरा फिल किताब मरियमा इज इन तबसत में अहलिया मकान शर्किया। हबीब अपनी किताब में मरियम का तस्करा करो। अब मैं आयात नहीं पढ़ूंगा। मरियम अपने रिश्तेदारों से हटकर मशरकी इलाके में चली गई, और जब वह मशरकी इलाके में गई तो उसने पर्दा खींच लिया अपने और रिश्तेदारों के दरमियान। जब पर्दा खिंच गया, अरसलना इलैहा रूहना, टुकड़े पढ़ रहा हूं आयात के, फतमसल्लाह बशरन सविया, हमने अपने फरिश्ते को भेजा और वह फरिश्ता इंसानी पैकर में मरियम के सामने आया। मरियम घबरा गई, घबरा के कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, ये तू कहां से आ गया। कहा मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूलो रब्बिके ले अहबलके गुलामन ज़किया। मरियम मत घबराओ, मैं कोई इंसान नहीं हूं, बशरी पैकर में आया हूं, मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं और तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तुम्हें एक पाकीजा बच्चा अता होगा। बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं बहुत दूर जाऊंगा और मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, उसे बहुत कारामत करना चाह रहा हूं मैं। बच्चा पैदा हुआ, कुरान, मेरे पास वक्त होता तो मैं सारी आयतें आपकी खिदमत में पेश करता। भाई बच्चा पैदा हो गया, जब बच्चा पैदा हो गया तो मरियम कमजोर थी, अभी बच्चे की पैदाइश हुई है, हुज़ी अलैक बेजीजी नखलत तो साकित अलैके रोतामन जनिया। मरियम तुम कमजोर हो ना, ये जो खजूर का दरख्त है जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो, हिलाओ, जब हिलाओगी तो तुम्हारे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी, रोतबन जनिया ताजा खजूरें, भाई तवज्जो रखना, ताजा खजूरें गिरेंगी। किस दिन गिरेंगी, 25 दिसंबर को ताजा खजूरें, जो खुरमों के पकने के दिन ही नहीं है, ताज़ा खजूरें गिरेंगी, उन्हें खाओ और अपनी ताकत को बहाल करो। फिर आगे मरियम बच्चे को गोद में लेकर चली, जब वो शहर नासरा के चौक पे बच्चे को गोद में लिए हुए आई तो पाकिजा मरियम, कुंवारी मरियम, ताहिरा मरियम, मुतहरा मरियम, वो बूढ़े यहूदी जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा तो कहने लगे, या उख्त हारून मा काना अबू किमरा सौइन व मा कानत उम्म के बगिया,
अरे हारून की बहन, तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, तू बच्चा कहाँ से ले आई? तू ये बच्चा कहाँ से ले आई? अब ये जुमला है नहीं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तेरी माँ भी अच्छी थी, तेरा बाप भी अच्छा था, ये बच्चा? फाशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ। मेरे अजीजो, मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ, ठीक? आपने मुझसे कोई सवाल किया और मैंने, मेरी गोद में बच्चा है, फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए, मेरी गोद में दो दिन का, दो हफ्ते का कुछ छोटा सा बच्चा है। आपने मुझसे सवाल किया, कोई इल्मी सवाल, मैंने कहा इस बच्चे से पूछ लें। तो अब दो सूरतें, अपनी मिसाल दे रहा हूं, दो सूरतें, मैंने कहा बच्चे से पूछ लें, ठीक है ना? तो या तो मैं पागल हूं और या फिर मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। सीधी बात करो, सीधी बात करो, या तो मैं वाकई पागल हूं, कह रहा हूं कि इस बच्चे से पूछ लो, और या मुझे यकीन है कि बच्चा बोलेगा। तो मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा। फअशारत इलैह, का इसे पूछो। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, कहने लगे बूढ़े यहूदी कि ये क्या बोलेगा, गहवारे का बच्चा, गोद का बच्चा, इसे हम कैसे बात करें? अब ईसा गोद से बोले, इन काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूं, कभी फिर सही, कुरान है और बड़ी अजीब गरीब किताब है, और मेरा ये मैसेज है न फकत सामने बैठे हुए मोहतरम सामेईन से, बल्कि जहां जहां तक ये आवाज आए कि कुछ वक्त कुरान के मुताले को दिया करो। लेकिन यकीन करो, कसम खा के कह रहा हूं कि ये कुरान तुम्हारे बाप से ज्यादा शफीक और तुम्हारी माँ से ज्यादा ममता वाली किताब है। कभी कभी इस मैसेज को अपने जहन के अंदर महफूज रखना और बात करना। कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। ईसा बोले गोद से मरियम की कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। कहां से बोले? गोद से। ईसा ऐलान कर रहे हैं मरियम की गोद से कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। फिर हजरत यहिया के लिए उसी कुरान ने आवाज दी, या यहिया खुज़िल किताब बिकुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिया। अरे यहिया, हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, इस किताब को मजबूती के साथ थाम लो। वह आतैनाहुल हुक्म सबिया, हमने बचपने में यहिया को नबूवत दे दी। परवरदगार ईसा को बचपने में नबूवत देता है मरियम की गोद में, यहिया को बचपने में नबूवत देता है। ये जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है, उसे 40 बरस तक इंतजार करवाया। सवाल है या नहीं है भाई? पैदाइश के वक्त अनाउंसमेंट हो जाता है ये बच्चा नबी है, ठीक है ना? तो वो जो मेरे नबी के मुकाबले में जरा कम नबी हैं, कम रुतबे के नबी हैं, उन्हें किसी को बचपने में दे दी, किसी को माँ की गोद में नबूवत दे दी, इसे 40 बरस इंतजार। तो भाई बात जानते हो क्या है? अब एक बात सुनो और अब मुझे इजाजत दे दो। दुनिया में जितनी भी दरसगाहें पाई जाती हैं तजर्बाती उलूम की, यानी साइंसेस की, जितनी दरसगाहें दुनिया में पाई जाती हैं ना, उन दरसगाहों में जब उस्ताद पढ़ाता है तो पहले थ्योरी समझाता है, प्रैक्टिकल बाद में करवाता है। ऐसा है या नहीं? मैं थ्योरी दी, मिसालें दे सकता हूं, लेकिन बस इस इशारे पे इत्तेफाक करो। थ्योरी दी, उसे नजरिया समझाया और नजरिया समझाकर डिमोंस्ट्रेट किया अपनी लैब में ले जाके। तो दुनिया का तरीका क्या है कि पहले नजरिया बतलाए, फिर अमल करवाए। कुदरत के काम उसकी शान निराली है, उसके काम अलग हैं। तुम करते हो पहले नजरिया बतलाओ, फिर अमल करवाओ। हम इसका उल्टा करेंगे, पहले मोहम्मद से 40 बरस अमल करवाएंगे और फिर कुरान का नजरिया नाजिल करेंगे। अब दोनों को मिला के देख लो, जैसा मेरा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, लफ्ज हैं समझाने के लिए दो अलग अलग, कुरान और मोहम्मद।
ये दो अलग अलग लफ्ज हैं, मफहूम एक ही है। भाई पहले पहले मैंने इस शख्स को भेजा और 40 बरस इसका किरदार देखो, और फिर अब कुरान भेजूंगा और दोनों को मिला के देख लेना। तो मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों इल्मे इलाही का पढ़ता हूं। जब जब इल्मे इलाही लफ्जों में ढला कुरान कहलाया, और जब नूर के पैकर में ढला मोहम्मद कहलाया। तो अगर कुरान बेअब है तो मेरा नबी बेअब है। देखो भाई, मैंने तो कह दिया मेरा नबी है तो मैं दावा करूंगा कि बेअब है, ठीक है ना। कोई सबूत है? अगर सबूत फलसफे मंतिक से देना शुरू करूं तो बोझल हो जाएगा। बस एक जुमला सुनो, ये जो अरब थे ना, इन अरबों के सामने कुरान ने बुतों की बुराइयां और उनके नकायस बयान किए। क्या ये तुम्हारे बुत? लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, किसी के काम के नहीं आ सकते। तुम इसे मदद क्या मांग रहे हो? ये तो अपने चेहरे की गर्द भी साफ नहीं कर सकते। अच्छा, इसी की तशरीह मेरे नबी ने की। बहुत तवज्जो रहे और कहने लगे मेरा खुदा बेअब, मेरा नबी, मेरा खुदा बेअब। तुम्हारे बुत क्या है उनके पास? यहां से उठाओ, वहां रख दो, वहां से उठाओ, वहां रख दो। मेरा खुदा इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर शय पे कादिर है। ये जाहिल भाई तो ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके। तुम्हारे बुत, मेरा खुदा आलिम भी है, कलाम भी पैदा करता है, कादिर भी है, हर शय जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो बुतों की बुराइयां की कुरान ने, बुराइयों से मुराद उनमें जो नकायस थे वो बयान किए, ठीक, और खुदा की तारीफ की। वो अरब जो उस जमाने का था वो अपनी आन पे मर जाने वाला अरब था। एक ऊंटनी का थन किसी के तीर ने छेद दिया, 40 बरस लड़ाई होती रही आन के ऊपर। तो कितनी आन वाले अरब थे उस मुआशरे में। कुरान कह रहा है, मेरा नबी कह रहा है कि तुम्हारे खुदा ऐसे, तुम्हारे खुदा ऐसे, तुम्हारे खुदा ऐसे, कह रहा है या नहीं? कुरान उठा के देखना, मेरे नबी के बयानात जो बुतों के सिलसिले में वो उठा के देख लेना, और मेरा खुदा बेअब। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है कि अगर ये बात वाज़े हो गई तो मेरी मेहनत आज की सवारत है। अच्छा भाई, तो नाक पे मर जाने वाला अरब, घमंडी अरब, कहता ना कि मुसलमानों के रसूल 100 ऐब तुमने हमारे खुदाओं में निकाले, लाओ अपने खुदा को। ये मैसेज पहुंचा? नहीं भाई, नहीं, बस यही तो रोकना चाह रहा हूं मैं, और यही ये गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से हमकिनार हो जाएगी। भाई वो अरब कहते तो कि तुमने हमारे बुतों में 100 ऐब निकाल दिए, लाओ कम से कम 10 तो हम भी निकाल देंगे, वरना हमारा इरादा तो यह है कि तुमने 100 ऐब हमारे बुतों में निकाले हैं, 400 ऐब तुम्हारे खुदा में निकालेंगे। किसी ने चैलेंज किया? पढ़ के बोलता हूं, खुदा की कसम किसी अरब का चैलेंज मौजूद नहीं है कि अपने खुदा को लाओ तो हम उसमें ऐब निकालेंगे। भाई बतलाना यह था कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, मुस्तकबाद में आओगे। हकीकत यह है कि कोई नबी कायनात का, मुझे माफ कर देना, मैं तो कुरान के फ्रेमवर्क में बातें कर रहा था, मेरे नबी के मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सूरह मायदा 5वां सूरह कुरान का, पर ये सुन लो और मुझे इजाजत दे दो, 5वां सूरह और उस सूरह की 110वीं आयत जाके जरूर देखना। वह इस तखलो को मैंने तीन है कहा अति तैरे बे इजनी फतन फकोफिया फतकुना तैरन बे इजनी व इस तुबरे उल अकमहा वल अबरसा बे इजनी व तुखरिजुल मौता बे इजनी। इस पढ़े लिखे मजमे में इजन का तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। इजन के मानी इजाजत, ठीक, तर्जमा करूं, तर्जमा करूं। वह इस तखलको मेरा तीन है कहे अति तैरे बे इजनी, ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम गीली मिट्टी उठाकर परिंदे की शक्ल बनाते थे बे इजनी, मेरे इजन और मेरी इजाजत से। फतन फकोफिया फतकूना तैरन बे इजनी, तुमने इजाजत तो ले ली, फिर तुमने फूंक मारी, परिंदा उड़ गया मेरे इज्जत और मेरी इजाजत से। बड़ा नबी है, साहिब शरीयत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, साहिब शरीयत उलुल अज़्म, और आज तक जिंदा है, चौथे आसमान पे। मैं क्या है? इज्जत दे मालिक, मिट्टी उठाई, इज्जत दे परिंदा बनाओ, इज्जत मिल गया, परिंदा बना लिया, इज्जत दे फूंको,
इज़न मिल गया और इज़न इलाही जे परिंदा उड़ गया वही तुब रेउल अक महावल अबरस अब इज़नी ईसा तुमने कोढ़ी इंसान को अच्छा किया मेरे इज़न और मेरी इजाजत से वल अबरसा जिसे सफेद दाग हो जाए तुमने उसे अच्छा किया ठीक है। सूरह मायदा पांचवा सूरह 110वीं आयत तुमने अच्छा किया मेरे इज़न और मेरी इजाजत से। आखिरी टुकड़ा ईसा तुमने मुर्दों को भी जिंदा किया कोई शक नहीं है बेइज्नी मेरे इज़्ज़त से। इतना बड़ा नबी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता कदम कदम पे इज़्ज़त मांगने का मोहताज है। आखिरी जुमला कदम कदम पर इज़्ज़त मांगने का मोहताज है। इज़्ज़त मांगा मिट्टी उठाई इज़्ज़त मांगा परिंदा बनाया इज़्ज़त मांगा फूंक मारी इज़्ज़त इलाही से परिंदा उड़ गया। कोढ़ी को अच्छा करना हुआ इज़्ज़त मांगा मबरूस को अच्छा करना हुआ इज़्ज़त मांगा मुर्दे को जिंदा करना हुआ इज़्ज़त मांगा। ये हैं सारे नबी 1,23,999 नबी और अब मेरा नबी सूरह अहज़ाब 33वां सूरह या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। हबीब हमने तुझे अपना पूरा इज़्ज़त दे दिया अब तुझे बार बार इज़्ज़त मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज पलटा दे तेरी मर्जी चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी सितारे को उतार ले तेरी मर्जी गो से कलमा पढ़वा ले तेरी मर्जी संग्रेजे से तस्वीर करवा ले तेरी मर्जी किसी को कंधे पे बुलंद कर ले तेरी मर्जी किसी को सीने से लगा ले तेरी मर्जी। व आखिर दावाना अनिल हमदो लिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा और मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा। फसयअलमुल लजीन ज़लमु अय्यमुन क़लबी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि الطاهر